बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिस्टर्स किचन यूट्यूब चैनल और हम हाज़िर हैं आपके खिदमत में एक बार फिर मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी लेके। आज हम आपको कीमा फ्राई की रेसिपी बनाना बताएंगे। फ्राई कीमा बहुत ही झटपट और मज़ेदार बनेगा, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कीमा फ्राई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चलते हैं किचन की तरफ। जी तो नाज़रीन, फ्राइड कीमा बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो कुछ इस तरह से हैं। 500 ग्राम हमने कीमा ले लिया है, ये बारीक मशीन का कीमा है। 4 अदद हमने दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है, उनको चॉप कर लिया है, रफली चॉप कर लिया है ऐसे। 8 से 10 अदद हरी मिर्चें लिए मैंने, उनको भी काट लिया है। 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, उनको भी इसी तरह से चॉप कर लिया है। 1 कप ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। ड्राई मसालों में 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, लाल मिर्चें, हसबे ज़रूरत नमक ऐड होगा इसमें। 1/2 टीस्पून गरम मसाला ले लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिया है। और इन टमाटरों में ही मैंने, ये आप देख सके तो, 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। फ्राइड कीमा मज़ेदार झटपट बनने वाला कीमा। कढ़ाई ले लिए हमने, इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होता है, अब हम इसमें हरी मिर्चें और प्याज दोनों एक साथ फ्राई करेंगे। हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। प्याज तो फ्राई कर लेंगे। प्याज तो हमने आधा कच्चा आधा पक्का फ्राई करना है, बिल्कुल लाल नहीं करनी, आधा ब्राउन करना है इसको और आधा छोड़ना है, कच्ची पक्की करनी है। बहुत ज़्यादा अगर हम मसाले भूनने में प्याज को ब्राउन कर दें, लाल कर दें, तो सालन का कलर ख़राब हो जाता है। ये देखिए व्यूअर, प्याज फ्राई हो गई है, बस इससे इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, कीमा थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जो इसका कलर चेंज हो जाए और कीमे का पानी खुश्क हो जाए, फिर मसाले ऐड करेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, बस कीमा फ्राई हो गया। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले ये ड्राई मसाले ऐड कर देंगे सभी। थोड़ा सा भूनेंगे। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाला कीमा है ये, बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा। बस फ्रेंड्स, ये फ्राई हो गया है कीमा। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से सारे टमाटर डाल के बस इसको अभी हिलाएंगे जलाएंगे नहीं, इसको कवर कर देंगे इसी स्टेज पे। बस इसको टमाटर इसी तरह से डाल के और कवर करके रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं सारे बिल्कुल। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे खूब अच्छे से कीमे को।
ये लीजिए फ्रेंड, कीमा फ्राई हो गए, बस झटपट तैयार है हमारा कीमा फ्राई। देखिए कितने मज़ेदार इसकी शक्ल लग रही है, ज़रूर बनाइएगा आप, ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जल्दी झटपट बन जाता है ये। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देते हैं 2 मिनट के लिए, फिर इसको कवर करके रखेंगे। ये लीजिए फ्रेंड, फ्राई कीमा तैयार है, अब हम आप इसको सर्व करके दिखाते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, मज़ेदार कीमा फ्राई रेडी है हमारा, और देखें कितनी जल्दी झटपट तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। मज़ेदार झटपट कीमा रेडी है, इसे चपाती के साथ, पराठों के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, ये अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार है। तो चलिए चलती हूँ, इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।